हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, मीनिंग ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग और आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग एंड वेरियस कमिटीज या डेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पढ़ चुके हैं। आज हम करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का पार्ट सेकेंड। ठीक है, आज हम इसमें पढ़ेंगे टूर्नामेंट से रिलेटेड टॉपिक। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टूर्नामेंट से। ठीक है, बेसिकली टूर्नामेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो समझ लेते हैं कि टूर्नामेंट होते क्या हैं। टूर्नामेंट्स वो हेल्थ कंपटीशन होते हैं जिसमें एक टीम दूसरी टीम के साथ फाइट करती है या गेम खेलती है, और लास्ट में एक जो अच्छी टीम होती है, जो बेस्ट टीम होती है, वहाँ पर विनर बन जाती है या विनर निकल जाती है, उस टूर्नामेंट की चैम्पियन बन जाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं टूर्नामेंट। अब बात करते हैं टूर्नामेंट्स के टाइप की। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर टूर्नामेंट्स के फोर टाइप्स हैं टूर्नामेंट के। फर्स्ट है आपका नॉकआउट टूर्नामेंट, सेकंड आपका लीग टूर्नामेंट, थर्ड है आपका कॉम्बिनेशन और फोर्थ है आपका चैलेंज टूर्नामेंट। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होते हैं जिसमें हर टीम को एक ही चांस मिलता है, जहाँ पर वो डिफीट हो जाती है वो उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। अगर उस हर किसी टीम को उस टूर्नामेंट को जीतना होता है तो उसको प्रत्येक मैच या एवरी मैच उसको जीतने पड़ेंगे लास्ट तक, टिल द फाइनल, अगर फाइनल जीतना है तो। ठीक है, तो यह होता है आपका नॉकआउट टूर्नामेंट, जिसमें जहां पर जो भी कोई टीम डिफीट करती है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। सेकंड है आपका लीग टूर्नामेंट। ठीक है, लीग टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होते हैं जिसमें कोई टीम हर टीम प्रत्येक टीम के साथ मैच खेलती है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो हर टीम के साथ एक एक मैच खेलती है, उसको हम कहते हैं लीग टूर्नामेंट, जिसमें कि आपके सेलेक्टेड मैचेस होते हैं। जैसे कि आपका एक टीम होगा, चार टीम का टूर्नामेंट है, तो वहाँ पर ए टीम बी से भी खेलेगी, सी से भी खेलेगी और डी से भी खेलेगी, तो वहाँ पर क्या है आपका तीन मैच हो जाएंगे ए टीम के। ठीक है, वो है आपका लीग टूर्नामेंट। इसमें टू टाइप्स होते हैं, लीग टूर्नामेंट के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है आपका सिंगल लीग टूर्नामेंट। ठीक है, सिंगल लीग टूर्नामेंट में क्या होता है आपका, जो एक टीम हर टीम के साथ सिर्फ एक एक मैच खेलती है उसको कहते हैं हम सिंगल लीग टूर्नामेंट। और सेकेंड है आपका यहाँ पर डबल लीग टूर्नामेंट। ठीक है, डबल लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, हर टीम के साथ दो दो मैच खेलती है, लाइक आईपीएल। ठीक है, आईपीएल डबल लीग टूर्नामेंट है। ठीक है, जो अगर आपसे कोई पूछे कि आईपीएल कौन सा टूर्नामेंट है, तो आप कहना आईपीएल डबल लीग टूर्नामेंट है, उसमें हर टीम के साथ दो दो बार मैच खेलती है, उसको हम कहते हैं डबल लीग टूर्नामेंट। ठीक है, अब है यहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। ठीक है, आपका नाम से पता चल रहा होगा कॉम्बिनेशन, बट ये कॉम्बिनेशन किसका है, कॉम्बिनेशन है आपका नॉकआउट और आपका लीग टूर्नामेंट का। ठीक है, जहाँ पर लीग और नॉकआउट टूर्नामेंट का कॉम्बिनेशन हो उसको कहते हैं हम कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करके चलते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट ये है। ठीक है, टू पार्ट्स में डिवाइड कराते हैं जो कॉम्पिटिशन है उसको। ठीक है, इसमें आपका नॉकआउट हो सकता है और लीग हो सकता है। ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से कहें तो लीग हो सकता है फर्स्ट में, सेकंड में नॉकआउट हो सकता है, और थर्ड में कहें कि लीग होगा फर्स्ट में और सेकंड में भी लीग होगा, और फोर्थ में कहें तो नॉकआउट होगा और लास्ट में भी नॉकआउट होगा। जैसे कि आपका मैथ में होता है माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, वो उसी तरीके से सेम चीज़ यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये होता है आपका कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। ठीक है, अब है आपका चैलेंज टूर्नामेंट। वो टूर्नामेंट होते हैं जिसमें कोई एक खिलाड़ी अपने अपोनेंट खिलाड़ी को, एक अच्छे अपोनेंट खिलाड़ी को भी चैलेंज कर देता है कि मैं आपके कैपेबल हूँ आपसे फाइट करने के लिए, आपसे मैच करने के लिए, उसको हम चैलेंज टूर्नामेंट कहते हैं। बेसिकली ये जो टूर्नामेंट होते हैं वो आपके होते हैं इंडिविजुअल गेम में, जिसमें कैटेगराइज किया होता है खिलाड़ियों को, लाइक आपका रेसलिंग, लाइक आपका बैडमिंटन और लाइक आपका बॉक्सिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 60 kg वाला बंदा 70 kg वाले से बंदे को चैलेंज कर देता है कि मैं आपसे फाइट करने के लिए कैपेबल हूँ, मैं आपको हरा सकता हूँ, डिफीट कर सकता हूँ। तो ये होता है आपका चैलेंज टूर्नामेंट, जिसमें आप एक अपोनेंट खिलाड़ी दूसरे अपोनेंट खिलाड़ी को चैलेंज कर सकता है, ये आपका है चैलेंज टूर्नामेंट। ठीक है, अब यहाँ बात है यहाँ पर आपके एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। जिस तरीके से आपको पता है कि किसी भी कॉइन के टू साइड्स होते हैं, एक होता है उसका एडवांटेज और एक होता है डिसएडवांटेज, सेम थिंग यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि टूर्नामेंट के कुछ एडवांटेज भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक है, तो नॉकआउट टूर्नामेंट का फर्स्ट एडवांटेज है लेस टाइमिंग। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है कि एक टीम एक सी जहाँ पर हार जाती है वो वहाँ पर बाहर हो जाती है, जिसकी वजह से वो टूर्नामेंट काफ़ी शॉर्ट हो जाता है, आधे दिन में या एक दिन में ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर टाइम कम खर्च होता है। ये एक प्राइम एडवांटेज है
नॉकआउट टूर्नामेंट का, सेकेंड है आपका लेस एक्सपेंसिव, ठीक है। जैसे कि आप अभी मैंने आपको बताया कि जो ड्यूरेशन होती है वो बहुत कम होती है, उसकी वजह से उसमें जो खर्च होता है, रुपया जो खर्च होता है वो भी बहुत कम होता है, ठीक है। क्योंकि कोई कॉम्पिटिशन 4 दिन तक चल रहा है और जो कॉम्पिटिशन 1 दिन तक चल रहा है, तो 4 दिन की बजाय अपेक्षा 1 दिन वाले में कम खर्च, रुपया कम खर्च होगा, जिसकी वजह से उसको कहते हैं लेस एक्सपेंसिव, ठीक है। ये एक एडवांटेज, ये और एक एडवांटेज है आपका नॉकआउट टूर्नामेंट का। सेकेंड है यहाँ पर आपका डीमेरिट्स ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट्स या डिसएडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट्स, ठीक है। तो इसमें जो आपका फर्स्ट है आपका गुड टीम मे गेट एलिमिनेटेड, ठीक है। एलिमिनेटेड मीन्स आपका बाहर हो जाती है। तो क्या होता है कि कभी कभी ये होता है कि फर्स्ट टीम, जो अच्छी टीम होती है, वो फर्स्ट मैच में अच्छा नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसको बाहर होना पड़ जाता है। क्योंकि होता है कि कभी वार्मअप अच्छे से ना कर पाए, कोऑर्डिनेशन अच्छे से ना हो पाता खिलाड़ियों फर्स्ट मैच में, जिसकी वजह से एक अच्छी टीम भी वहाँ पर बाहर हो जाती है। ये एक डिसएडवांटेज है नॉकआउट टूर्नामेंट का। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर हाई स्ट्रेस ऑन प्लेयर्स, ठीक है। जब आपको पता है कि आपको एक चांस मिलना है हर मैच के लिए, और जहाँ पर आप डिफीट करके वहाँ से आप बाहर हो जाओगे, तो आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाएगा कि हमको हर मैच जीतना है, अगर हमें इस कंपटीशन को जीतना है। तो वहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि स्ट्रेस हो जाता है प्लेयर के ऊपर। ये भी एक डिसएडवांटेज है आपके नॉकआउट टूर्नामेंट का, या डिमेरिट्स है नॉकआउट टूर्नामेंट की, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर एडवांटेज ऑफ लीग टूर्नामेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट है आपका ट्रू विनर, ठीक है। जो आपका लीग टूर्नामेंट होता है उसमें क्या होता है, एक टीम प्रत्येक टीम के साथ मैच खेलती है। तो वहाँ पर आपका मान लीजिए आप आरसीबी टीम है, ठीक है, और आपका चेन्नई सुपर किंग है। तो वहाँ पर आरसीबी, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आरसीबी बेस्ट है चेन्नई से, तो क्या बोलते हैं वहाँ पर चेन्नई से वो हार जाती है, ठीक है। तो आगे की जो टीमें हैं उसमें अच्छा कर जाती है वो टीम, ठीक है, बाकी के सारे मैच वो जीत जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि मतलब जो रियल कैपेबल टीम होती है वही उस टूर्नामेंट को जीत पाती है, ठीक है। तो मतलब लॉन्ग आउट की तरह नहीं होता कि फर्स्ट मैच में हार गए तो अच्छी टीम भी बाहर हो जाती है, ऐसा इसमें नहीं होता है, ट्रू विनर यहाँ पर निकलता है। सेकंड है आपका स्किल्ड सिलेक्शन, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, पहले मैं आपको बता दूं, जब आप स्टेट लेवल पर खेलते हैं तो वहां से सिलेक्शन होकर आप नेशनल लेवल पर जाते हैं, ठीक है। स्टेट लेवल की कॉम्पिटिशन चल रही है और आप लीग टूर्नामेंट वहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट जो एक अच्छा खिलाड़ी है फर्स्ट मैच में अच्छा नहीं कर पाया, तो सेकंड मैच में अच्छा करेगा, थर्ड मैच में भी अच्छा करेगा, और फोर्थ मैच में भी अच्छा कर सकता है। तो वहाँ पर उसका जो परफॉर्मेंस है, जो उसकी स्किल है, तो वो वहाँ पर एक अच्छे तरीके से दिख जाती है सेलेक्टर को, और वहाँ पर उसका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब नॉकआउट में ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट मैच में हार गया वो बाहर हो जाता है, तो वहाँ पर सिलेक्शन होने का कोई चांसेस नहीं होता। ये भी एक एडवांटेज है स्किल सिलेक्शन लीग टूर्नामेंट का, ठीक है। अब है यहाँ पर डिमेरिट्स ऑफ लीग टूर्नामेंट्स या डिसएडवांटेज ऑफ लीग टूर्नामेंट, ठीक है। तो फर्स्ट है यहाँ पर आपका टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। लीग टूर्नामेंट्स लंबे ड्यूरेशन तक चलते हैं, जैसे कि आपका आईपीएल है, तो उसमें आपने 9 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, लगभग 10 मई को उसका फाइनल होगा, तो वहाँ पर डेढ़ से दो महीने लग जाते हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है उसमें। ये भी एक डिसएडवांटेज है आपका लीग टूर्नामेंट का। सेकेंड है आपका मोर एक्सपेंसिव, जब आपका लीग टूर्नामेंट काफ़ी दिनों तक चल रहा है, वहाँ पर आपको रुकने की व्यवस्था खिलाड़ियों की, उनके खाने की व्यवस्था, उनकी देख रेख की व्यवस्था, सारी चीज़ों की व्यवस्था करेंगे एक लंबे समय तक, तो वहाँ पर क्या क्या कहते हैं उसमें खर्चा बहुत आ जाता है, जिसको कहते हैं हम मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। ये भी एक डिसएडवांटेज है लीग टूर्नामेंट का। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारा फिक्सर, ठीक है। जब हम कोई भी टूर्नामेंट कराते हैं तो उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें फिक्सर बनाना होता है कि कौन सी टीम किस मैच के साथ, किस टीम के साथ खेलेगी, जिससे हमारा सिस्टमेटिक ढंग से टूर्नामेंट हो पाए। तो फिक्सर क्या है बेसिकली, फिक्सर अरेंज करता है सिस्टमेटिक ढंग से टीमों को आपस में मैच कराने के लिए, जिसको हम फिक्सर कहते हैं, या कह सकते हैं सिस्टमेटिक ढंग से टीमों का मैच कराना ही फिक्सर होता है। अब है यहाँ पर आपका नॉकआउट फिक्सर, ठीक है। तो सबसे पहले हम नॉकआउट टूर्नामेंट के फिक्सर बनाना सीखेंगे। इसमें हमारे पास टू कंडीशन होती है। फर्स्ट है अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम इवन है, ठीक है, तो इवन वाले को देख लेते हैं पहले। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम इवन है तो नंबर ऑफ टीम हमारे पास 4 है, ठीक है। हम 4 टीमों का फिक्सर बना रहे हैं, मान लीजिए ये येलो हाउस है, ग्रीन हाउस है, ये रेड हाउस है, ये ब्लू हाउस है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, हम इन चारों का मैच एक सिंपल ढंग से करा देंगे कि हम ए और बी का मैच कराएंगे और सी और डी का मैच कराएंगे, इफ़ हमारे पास नंबर ऑफ टीम इवन है तो, ठीक है। तो इन दोनों का मैच कराएंगे, यहाँ पर ए विन करके आया और यहाँ पर डी विन करके आया, ठीक है। अब ए और डी का मैच करा देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम इवन है तो। इस तरीके से हम फिक्सर बनाएंगे, ठीक है, बहुत सिंपल है। एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से ये
नहीं आता है, नंबर ऑफ टीम इवन वाला नहीं आता, नंबर ऑफ टीम ओड वाला आता है, ठीक है, इसको हम नॉर्मली समझेंगे। अब बात करेंगे हम नंबर ऑफ टीम ओड है तो हमारे पास, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम इवन ओड है तो, ठीक है, इवन हमने देख लिया, अब देखते हैं हम नंबर ऑफ टीम ओड है, ठीक है। तो इसके जो कुछ क्राइटेरिया है उसको समझ लेते हैं। नंबर ऑफ टीम एन हम रिप्रेजेंट करेंगे एन से, नंबर ऑफ मैचेस हो जाएगा एन माइनस वन, कैपिटल एन माइनस वन, ठीक है। नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ, अपर हाफ मीन्स आपका टू पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे सारी टीमों को, तो अपर हाफ हो जाएगा एन प्लस वन अपॉन टू। और नेक्स्ट हो जाएगा नंबर ऑफ टीम इन लोअर हाफ, एन माइनस वन अपॉन टू हो जाएगा। नंबर ऑफ बाई हो जाएगा टू टू द पावर एन माइनस एन, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं टू टू द पावर एन क्या है, ठीक है। टू टू द पावर एन, एन मीन्स मतलब टू की नेक्स्ट नियरेस्ट पावर, ठीक है। टू की नेक्स्ट नियरेस्ट पावर मतलब टू की अगली बड़ी पावर, मतलब ठीक है, हम कह सकते हैं कि आपका जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हम कर रहे हैं नंबर ऑफ टीम 11 है हमारे पास, ठीक है। एन एन इज इक्वल टू 11 है, 11 टीम का फिक्सर बना रहा है, ठीक है। तो टू 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 की पावर एन है तो यहाँ पर 11 की नेक्स्ट हाइएस्ट पावर, नेक्स्ट नियरेस्ट पावर, ठीक है। तो 11 की नेक्स्ट नियरेस्ट पावर कैसे निकालेंगे हम, तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टू टू द पावर वन इज इक्वल टू टू, टू टू द पावर टू इज इक्वल टू फोर, टू टू द पावर थ्री इज इक्वल टू एट, टू टू द पावर फोर इज इक्वल टू सिक्सटीन, टू टू द पावर फाइव इज इक्वल टू 32। इसको ऐसे समझ सकते हैं हम, मैथ्स वाले बच्चे समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हमको देखना है 11 की नेक्स्ट नियरेस्ट पावर कौन सी है, ठीक है। तो 11 जाएगा हमारा यहाँ पर 16 में, ठीक है। 11 की नेक्स्ट पावर कौन सी है, 16 है, तो ठीक है। तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, इस पूरे की जगह हम रख देंगे यहाँ पर 16 माइनस 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 22 निकल आएंगे इससे। नंबर ऑफ राउंड हो जाएंगे टू टू द पावर एन, ठीक है। जो आपकी पावर है, टू की पावर जो आ रही है यहाँ पर, हमारा 16 है और 16 है हमारा ये, टू की पावर आ रही है हमारे पास 4, तो ठीक है, राउंड हो जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ राउंड हो जाएंगे 4, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। नंबर ऑफ बाई हो जाएगी इन अपर हाफ, ठीक है, बी माइनस वन इज इक्वल अपॉइंट टू, ठीक है, बी माइनस वन अपॉइंट टू, ठीक है। बी हो जाएगा आपका बाई, टोटल नंबर ऑफ बाई हो जाएगा। नंबर ऑफ बाईज इन लोअर हाफ बी प्लस वन अपॉन टू, ठीक है, इनको हम समझ लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पैसेज, ठीक है, नंबर ऑफ टीम हमारे पास है 11, तो ठीक है 11 माइनस वन इज इक्वल टू 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नंबर ऑफ मैसेज हो जाएंगे 10। नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ, ठीक है, अपर हाफ में कितना हो जाएगा आपका n प्लस वन अपॉन टू, ठीक है, 11 प्लस वन अपॉन टू, ठीक है, 12 अपॉन टू हो जाएगा 6, ठीक है, 6 हो जाएंगे। नंबर ऑफ टीम इन लोअर हाफ ये हो जाएगा माइनस 11 माइनस वन अपॉन टू, मीन्स आपका 10 अपॉन टू ये हो जाएगा 5, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे आपका 2 टू द पावर n, हमने निकाल लिया ये 16 है हमारा, 16 माइनस n, n हमारा 11 है, तो ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड हमारे पास है 2 टू द पावर n, तो हमारा 16 है की पावर 4, 2 की पावर 4 है यहाँ पर, तो 4 आ जाएगा, नंबर ऑफ राउंड 4 हो जाएंगे। नंबर ऑफ बाईज हो जाएंगे इन अपर हाफ, ठीक है, बी माइनस वन अपॉन टू, ठीक है, बी है हमारे, नंबर ऑफ बाईज है हमारा 5, तो ठीक है 5 माइनस वन अपॉन टू, ठीक है, 4 अपॉन टू हो जाएगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर है नंबर ऑफ बाईज लोअर हाफ ये हो जाएगा बी प्लस वन अपॉन टू, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर किस तरीके से हमें फिक्सर ड्रॉ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर मोस्टली आता ही आता है, 99% आता ही आता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमको, अब हमको इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से इसको तैयार करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी टीम जो 11 टीम का एक हमने लिस्ट बना ली, इस लिस्ट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो टू पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ हमारे पास है 6, तो ठीक है 6 ये होगा यहाँ पर, ये हो गया आपका अपर हाफ, ये हो गया आपका लोअर हाफ, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नंबर ऑफ टीम 6 है हमारी अपर हाफ में, और लोअर हाफ में हमारी है आपका 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गए। अब हम इनको बाई डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बाई डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टू मेथड्स होते हैं आपका, या तो पूरे कंप्लीट फिक्सर में बाई ड्रॉ करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, या फिर आप हाफ वाइज डिवाइड करो, ठीक है, हाफ वाइज डिस्ट्रीब्यूट करो। तो हम हाफ वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट आपको ये याद रखना है कि जिस हाफ से आप डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे उस हाफ की उसी टीम से स्टार्ट करना है। जैसे कि आप अपर हाफ से स्टार्ट कर रहे हैं
तो अपर हाफ की अपर टीम को पहली बाई दी जाएगी, अगर आप लोअर हाफ से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोअर हाफ की लोअर टीम को फर्स्ट बाई दी जाएगी। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूँ एक सिंपल ढंग से कि अपर हाफ में 2 बाईज हैं, तो ठीक है फर्स्ट बाई हमारी जाएगी फर्स्ट टीम को, सेकंड बाई जाएगी हमारी सिक्स टीम को। अपर डाउन अप डाउन अप डाउन, ये सिक्वेंस चलता रहेगा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती है, अगर आप लोअर हाफ में बाई डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप लोअर हाफ की लोअर टीम को देंगे फर्स्ट बाई और सेकंड बाई देंगे लोअर हाफ की अपर टीम को, वही अप डाउन यही सिक्वेंस चलता रहेगा। ठीक है, तो अब हम बाई डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ बाई इन अपर हाफ, ठीक है अपर हाफ में 2 बाईज हैं, तो ठीक है अपर हाफ की अपर टीम को फर्स्ट बाई देंगे, ठीक है फर्स्ट बाई आगी, सेकंड बाई देंगे अपर हाफ की लोअर टीम को। ठीक है, अगर हमारे पास बाई होती 4 तो यहाँ पर यहाँ देती, फिर दूसरी बाई दूसरे नंबर को देते, फिर तीसरी बाई पांचवें नंबर को देते, अप डाउन यही सीक्वेंस रिपीट करना है। ठीक है, अब हमको देनी है यहाँ पर लोअर हाफ में, लोअर हाफ में हमारे पास नंबर ऑफ वाइज है हमारी 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोअर हाफ की लोअर टीम को देने, तो लोअर हाफ की लोअर टीम को फर्स्ट वाइज देंगे, वाई वाई वन वाई टू वाई थ्री ठीक है, तो इस तरीके से बाई डिस्ट्रीब्यूट करनी है। बट आपको ये याद रखना है कि अप टू डाउन मैच कराने हैं और जो बाई जिनको दिए गए उनको सेकंड राउंड में मैच कराना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जिस टीम जिस हाफ से स्टार्ट कर रहे हैं उस हाफ की अपर टीम को स्टार्ट करना है। अगर आप अपर हाफ में बाई दे रहे हैं तो आपकी अपर हाफ की अपर टीम को देना है, अगर आप लोअर हाफ में दे रहे हैं तो लोअर हाफ की लोअर टीम को देना है। ठीक है, अब आपको ये हो जाएगा आपका राउंड वन। ठीक है, ये आपका राउंड वन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो टीमें बची थी बाई वाली है वो उनको भी इंक्लूड करना है, अप टू डाउन देना है। ठीक है, मैचेस अप टू डाउन कराने हैं, तो यहाँ पर 1 का और यहाँ पर 2 निकल के आएगी, तो 2 का मैच करा देंगे, यहाँ पर 4 निकल के आएगी, यहाँ पर 8 सपोज कर रहे हैं कि ये जीती है। ठीक है, 4 और 6 का मैच कराएंगे, 7 और 8 का मैच कराएंगे, 10 और 11 का मैच कराएंगे, ये हो जाएगा राउंड 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर सपोज अगेन 2 विन करके आए, यहाँ पे 4 यहाँ पर 8 यहाँ पर 10 ठीक है, तो अब हमको कराना है 2 और 4 का मैच कराना है, 8 और 10 का मैच कराना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राउंड 3। अब आपको कराना है यहाँ पर अगेन 2 निकल के आई, यहाँ पर अगेन 8 निकल के आई, सपोज करते हैं कि ये टीम जीती है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 8 का मैच कराएंगे जिसको हम कहेंगे फाइनल। ठीक है, ये राउंड हो जाएगा 4। ठीक है, नंबर ऑफ राउंड हमारे पास कितने थे, 4। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ राउंड 4 हो चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है, इस तरीके से आपका ये फिक्सर बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको कुछ चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, अगर हमारे पास सपोज नंबर ऑफ टीम यहाँ पर 17 होती, ठीक है 17 नंबर ऑफ टीम 17 होती, तो नंबर ऑफ मैसेज हो जाते हैं हमारे n-1 इजिकल टू हो जाते हैं 16, नंबर ऑफ मैचेस हो जाते हैं 16। ठीक है, इसके मैं नंबर ऑफ मैचेस और काउंट करा देता हूँ। ठीक है, 11 वाले के फर्स्ट मैच, सेकंड मैच, थर्ड मैच, ठीक है फोर्थ मैच, फिफ्थ मैच, सिक्स्थ मैच, सेवन्थ मैच, एट्थ मैच, नाइन्थ मैच और 10th मैच। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैचेस हमारे पास 10 थे यहाँ, तो 10 यहाँ पर हो चुके हैं। अगर आपको फिक्सर में कोई गड़बड़ लगती है तो आप काउंट कर सकते हैं राउंड और मैचेस। ठीक है, अगर आपके सही हैं तो आपका फिक्सर सही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टीम 17 होती तो नंबर ऑफ मैच हो जाते 16। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें निकाल लेते हैं, अब राउंड पे आ जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बाई हो जाती। ठीक है, तो मैंने आपको बताया 2 to the power n क्या है, 2 की नेक्स्ट नियरेस्ट पावर। ठीक है, तो नंबर ऑफ 17 हमारे पास टीम है, तो यहाँ पर 17 की नेक्स्ट नियरेस्ट पावर होती है हमारी 32। ठीक है, तो 16 नहीं होती वहाँ पर, 32 होती, क्योंकि 16 17 से छोटा है, यहाँ पर हमारी है 32। ठीक है, तो 32 हो जाती है, और नंबर ऑफ राउंड हमारे पास हो जाते 5। ठीक है, यहाँ पर 5, क्योंकि 2 to the power 5 है यहाँ पर। ठीक है, नंबर ऑफ राउंड हो जाते हैं हमारे पास 5। इस तरीके से आपको फिक्सर बनाना है। आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, हम लीक फिक्सर के मेथड अलग अलग हैं, आपके साइक्लिक मेथड है, टेबुलर मेथड है और स्टेट्स मेथड है, उनको क्लियर करेंगे, और जो बाकी का सिलेबस है इस चैप्टर का वो क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।